हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रेयांश। इंटरकनेक्ट यूजर चार्ज यानी IUC के चलते जियो ने 9 अक्टूबर को ऑफ नेट फ्री कॉलिंग को खत्म करने का फैसला किया है। ऐसे में अब जब IUC का बोझ ग्राहकों के हिस्से आया तो उन्होंने जियो का समर्थन करते हुए ट्राई से जल्द इसका समाधान मांगा है। जियो के ग्राहकों ने ट्राई तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए ऑनलाइन याचिका दायर की है। दरअसल ट्राई की ओर से 2017 में IUC चार्ज 6 पैसे प्रति मिनट तय की गई थी और कहा गया था कि 1 जनवरी 2020 तक इसे खत्म कर दिया जाएगा। इसकी वजह से जियो ने कॉलिंग फ्री कर दिया था, लेकिन हाल ही में ट्राई ने रिव्यू के लिए IUC से जुड़ा कंसल्टेशन पेपर मांगा है और इसकी संभावना है कि इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में साफ नहीं है कि IUC के चार्जेस कब तक खत्म होंगे और इसी के चलते जियो पर दबाव बढ़ने लगा और कंपनी ने ऑफ नेट फ्री कॉलिंग बंद करने का फैसला किया है। साथ ही जियो ने यह भी कहा है कि IUC चार्जेस खत्म होते ही वो फिर से कॉलिंग फ्री कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने यह साफ किया कि वो ग्राहकों के लिए अनलिमिटेड प्लान्स में ऑफ नेट फ्री कॉलिंग जारी रखेंगे, जबकि जियो ने 9 अक्टूबर को यह ऐलान किया कि अब जियो के नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कॉल करने पर अब ग्राहकों को 6 पैसे प्रति मिनट की दर से भुगतान करना होगा। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हाल ही हाल आपको एक ही चैनल पर सारी खबरें मिलती रहें। धन्यवाद।